अगर रोड कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी अगर ट्रेन कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी टूरिज्म का इतना बढ़ाव हो जाएगा जिसमें मुझे लगता है हमारी अपील को परेशान भाई देखिए जिस माँ के सात बच्चे होते हैं अगर उस माँ को सात बच्चे ना पूछे तो वो दर दर होती है गवर्नमेंट तो पैसे दे रही है लेकिन हमारे जो ऑफिसर्स है वो यूटिलाइज करने को तैयार नहीं आती है वो भी आती है पहलगाम से वो लिदर निकलती है वो भी इधर हमारे वलर में आती है तो वलर का बचना मेरे अंदाज में मेरे ख्याल में मुश्किल है। आदाब नाजरीन आप देख रहे प्रोग्राम रूबरू और मैं प्रोग्राम की होस्ट यास्मीन मंजूर नाजरीन आज हम आए हैं एक नया शुमारा लेकर जिला बारामूला में करेंगे यहाँ के लोगों से बात और जानेंगे क्या कुछ कहना है इनका यहाँ की तरक्की को लेकर यहाँ के एजुकेशन सेक्टर को लेकर यहाँ के वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर तो आइए अपने सवालतों का सिलसिला शुरू करते हुए बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को आगे मेरा पहला सवाल रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर ऑल वेदर रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर आपकी क्या राय है जहाँ तक हमारे इस नॉर्थ कश्मीर की बात है नॉर्थ कश्मीर तक तो अभी हमने देखा कि सिर्फ़ बारहमुल तक तो हमारी रेल आ चुकी है और रेल के आने से काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है हमारे बिजनेस में अभी तक लेकिन चूँकि ये जो हम टेल एंड पे बैठे हुए हैं तो यहाँ पे जो भी हमारा अब जो हम इम्पोर्ट ही सारा कुछ मटेरियल करते हैं जो भी बाहर से जो भी माल आता है लेकिन अभी ये इंडिया के साथ पूरा कनेक्ट नहीं हो पाया है जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हमारा जो रेलवे का जो कनेक्टिविटी है वो सिर्फ बानियाल तक है और वहाँ पे तो कोई ऐसा कोई जो हमारी यहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें हैं वो वहाँ से तो आती नहीं है वो हिंदुस्तान के या इंडिया के दूर दराज इलाकों से आती है या एटलीस्ट जम्मू से आ जाती है जम्मू के साथ जब ये पूरी तरह से कनेक्ट होगा तो उसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा बिज़नेस का क्योंकि हमारा सबसे पहले जो हमारा जो इम्पोर्ट मटेरियल होगा उस पर फ्रेट कम पड़ने की वजह से वो हम उसमें बीइंग बिजनस बिजनेसमैन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि उसमें शायद फ्रेट कम पड़ेगा और हमारा जो आ, जो यहाँ पे कॉस्ट पड़ेगी हमारी जो लैंडिंग कॉस्ट होगी वो कम होगी और उसकी वजह से शायद हम सस्ता बेच भी पाएंगे और उससे आम जनता जो है यहाँ पर आम जनता को वो चीज़ें शायद सस्ते दामों पर भी मिल सकती हैं सबसे पहली बात है जो रेलवे की बात आ रही है जो हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन चल रहा है कश्मीर वैली पे और इसको जोड़ना है पूरे हिंदुस्तान के साथ तो हम ये गुजारिश करते हैं जो आज की मौजूदा गवर्नमेंट है चाहे वो सेंटर में है चाहे स्टेट में है कि जो हमारी रेल बारामूला से बहनाल तक जाती है इसको तुरंत ठीक किया जाए जम्मू तक क्योंकि हमें जब रोड की ब्लॉकेज जा आ जाती है तो हमारे बच्चों को यो जो तलब इम हमारे जो बाहर पढ़ते हैं उनको बहुत मुश्किल आती है उसमें दो मुश्किलें हैं एक तो हमारा बच्चों का फाइनेंशियल लॉस बड़ा होता है उनको किराया बहुत देना पड़ता है जब वो सोमो में या टैक्सी में जाते हैं तो काफ़ी किराया देना पड़ता है अगर हमारी रेलवे जम्मू तक इमीजिएट स्टार्ट हो जाए तो हमें बहुत आसानी से हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं और जल्दी हर हाँ जगह यूनिवर्सिटी में या दिल्ली में या बेंगलोर में जल्दी कनेक्टिविटी पहुंच जाते हैं अगर हम यहाँ से निकलते हैं बारामूला से जम्मू के लिए अगर रोड ब्लॉक हो जाए तो तीन दिन चार दिन पाँच दिन भी लग सकते हैं अगर रेल की कनेक्टिविटी फास्ट हो जाए तो हम कुछ घंटों में जम्मू में पहुँच के अगर आप पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पर पहुँच रहे हैं पहुँच सकते हैं मैं अगर अपने सोपोर जो है, मेरा ये एप्पल टाउन सोपोर है इसकी अगर मैं बात करूंगा क्या आप में से कोई सोपोर रेलवे स्टेशन गया है मैं पूछना चाहता हूं जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवे है पीछे भी मैंने उसको एक बार मेल किया था और रिक्वेस्ट किया था कि आप जरा ध्यान दीजिए जो हमारा सोपोल रेलवे स्टेशन आज की डेट में है ये हमारी मजबूरी एक है कि हम हमें हम आज पिछले तीन चार साल में से हमारी इकोनॉमिक बहुत डाउन हो गई है ये मजबूरी की वजह से हम रेल में में जाते हैं। वरना जो रेलवे स्टेशन का हाल इन्होंने बनाया है वो तो बहुत इतना इतना बद से बदतर हाल बना है कि अगर आप आज की डेट में भी सोपोर रेलवे स्टेशन में जाओगे आपको पैसेंजर को बैठने के लिए कोई सीट अच्छी नहीं मिलेगी अगर आज की डेट में आज वॉशरूम यूज़ करोगे वॉशरूम नाम की तो कोई चीज़ वहाँ पर है ही नहीं जो सोपोर रेलवे स्टेशन की मैं बात कर रहा हूं बड़ी मुश्किल से वहां पे लोग दो मिनट पहले पूछते हैं इस गर्ज से कि ट्रेन आए हम ट्रेन में चढ़े और निकले हमारे यहां से जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात अगर हम करें यहां पे हमारा एक जैसे कहते हैं कि फ्रूट मंडी है हमारी यहां पे एशिया की सबसे लार्जेस्ट लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है तो यहां का जो मेवा है तो ट्रेन के जरिए यह बिल्कुल डायरेक्ट और बहुत ही तुरंत फास्ट आ, इंडिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है जो कि आज की डेट में अगर हम ट्रक्स वगैरह में लाद देते हैं ये तो काफ़ी समय इसमें निकल जाता है और हमारा कुछ जो मटेरियल है जो आ, जो हमारे सेब वगैरह है या यहाँ से जो जितने भी फ्रूट्स यहाँ पे बनते हैं उगते हैं तो उनके पेरिश होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं और जिसका रिज़ल्ट ये रहता है कि उसके दाम भी काफ़ी कम आ जाते हैं लेकिन ट्रेन कनेक्टिविटी से यहाँ से बिल्कुल अच्छी तरह से बड़ी आ, आ, फास्ट ट्रैक बेसिस पे वो इंडिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है और फ्रेश फ्रूट का मज़ा वहाँ से भी ले सकते हैं लोग और उसका शायद आ, दाम भी अच्छे खासे मिल सकते हैं देखिए सफ़र के जो मसला है ये घोड़े टांगे से लेकर जहाज़ तक सफ़र किया गया आज तक और किया जा रहा भी है लेकिन हर सफ़र की अपना अपना टेस्ट है जैसे पहले बैलगाड़ियों से शुरू हुआ घोड़े टांगे से शुरू हुआ गाड़ियों से शुरू हुआ जहाज पर चला गया और रेलवे भी आ गई जबकि रेलवे कोयले पर चलती थी आज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है अब यह है कि रेलवे का जो सफ़र है इस सफ़र को हम रेलवे को हम कह सकते हैं मदर ऑफ ट्रैवल बड़े आराम से इजी हर जगह का नज़ारा लेते हुए टेस्ट लेते हुए हम जाए मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमने जाना होगा रहा सवाल इसकी मेंटेनेंस का भाई देखिए जिस माँ के सात बच्चे होते हैं अगर उस माँ को सात बच्चे ना पूछें तो वो दर दर होती है इस तरह ये मदरा ट्रैवल जो है ये रेन ये ट्रेन इसकी बेकदरी अगर हम खुद करेंगे इसके शीशे तोड़ेंगे इसके दरवाजे तोड़ेंगे इसकी रिपेयरिंग कौन करेगा ये बात हम गवर्नमेंट को कैसे ठोसेंगे जब एक बेटा सात बेटों की माँ है उसको वो कपड़ा ना दे दें उसको खाना ना दे दें उसकी वो खिदमत ना करें तो वो माँ का बोलेगी कि ये मेरे बेटे हैं वो तो लावार बोलेगी अपने आप को इस तरह से हम इस रेलवे को इस ट्रेन को लावार ना करें इसकी कदर करें हम प्यासो रहो न दश्त में प्यासो रहो न दश्त में बारिश के मुंतजर प्यासो रहो न दश्त में बारिश के मंतज़र मारो ज़मी पे पाँव के पानी निकल आए मैं पैसे मैं पहले वेलकम करता हूँ रूबरू टीम को दिल की अमीर गहराइयों से यहाँ एंड मैं दिल की अमीर गहराइयों से इसके ज़, इनके जज्बों को सलाम करता हूँ जो ये वक्त फवका फ़ौका ये प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं जहाँ पर हम जैसे आम लोगों की जो मैसेज है वो अला हुकाम तक पहुँच के थोड़ा सा रेड रसल हमें मिलता है देखिए दिरज कोर्ट इन इंग्लिश वी से बेटर इकनो सो दिस इज़ द कोर्ट विच वॉज ऑफ़ एन आवर एज ऑफ नाउ आई थॉट इन्हें कोई ना कोई बोलेगा ही इस बारे में बेटर रूट बेटर इकनॉमी ये मुझे नहीं पता किसने बोला है आई डोंट एक्चुअली नो बट ये एक टाइम टेस्टेड और ट्रस्टेड कोर्ट है जितना भी रोड अच्छे होंगे जितनी भी कनेक्टिव अच्छी होगी तो ज़्यादा अच्छा इन श्रोथ पोटेंशल बढ़ जाता है उस जगह का जहाँ से अगर हम ट्रेन की बात करें जब ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी पूरे इंडिया के साथ कनेक्ट होगी तो उसमें हमारे एजुकेशन सेक्टर का भी बहुत बड़ा आ, ये आ, बड़ा इम्पैक्ट उसमें भी पड़ेगा बींग ए मुस्लिम वी बिलीव इन दिस थिंग अगर ये तो खैर सऊदी अरबिया से कहा गया था कि अगर तालीम हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े बिकॉज दैट इज अटी लॉन्ग डिस्टेंस सऊदी अरबिया और चाइना का बहुत लंबा डिस्टेंस है तो बींग ए मुस्लिम वी बिलीव दिस थिंग हमसे ये कहा भी गया कि अगर आ, चीन तक भी जाना पड़े तो तालीम हासिल करने के लिए आप चीन भी जाइए तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें अभी भी पड़ेगा क्योंकि आ, हमारे पास अभी जो फास्टेस्ट जो ट्रैवलिंग का माध्यम है दैट इज़ बाय एयर और मैक्सिमम लोग एफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई एफोर्ड कर पाएगा लेकिन कुछ लोग करते भी हैं लेकिन ट्रेन जो है एक वाया मीडिया है ट्रांसपोर्ट जो, जो बसेस वगैरह और जहाज के बीच का एक रास्ता है ट्रेन इसमें आपका किराया भी सस्ता पड़ेगा और फास्टेस्ट भी है फास्टेस्ट मीन्स कि मतलब आ, बहुत जल्दी पहुँचाया जा सकता है उससे ट्रेन से और इस हिसाब से जो है यहाँ पर एजुकेशन का भी तो बच्चों के आने जाने के लिए भी सहूलियत रहेगी ट्रेन कनेक्टिविटी से हाँ पहले तो ये जो ट्रेन का आपने कहा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मेरे ख्याल में दुनिया का अनोखा प्रोजेक्ट है क्योंकि इसके रास्ते में ऐसा पुल भी आता है जो दुनिया के सबसे ऊंचा पुल है तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा काम है जो हमारे लिए हुकूमत ने शुरू किया है और मेरे ख़्याल में जब ये मुकम्मल हो जाएगा जिस तरह इंसान की रगों में खून दौड़ता है बराबर इसी तरह हमारी मैशियत अच्छी रहती होती रहेगी और हमारा एजुकेशन और हमारे मतलब जितने भी मतलब कारोबार है यहाँ उन पर एक बेहतरीन असर पड़ेगा मैं समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट बहुत जल्द तैयार हो जाए ताकि यहाँ के लोग महसूस करें और खुश हो जाए साथ ही साथ हम मौजूदा हुकूमत को एक सराहना करते हैं कि हाल ही में जो उन्होंने इलेक्ट्रिक ट्रेन एक हमारी स्टार्ट की उस उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं मौजूदा हुकूमत के और साथ ही साथ जैसे कि मेरे भाईओ ने फरमाया कि अब कैन जो हमारी जो हमारे यहाँ से बारामूला से ताबाल ता दुनिया के आ, किसी भी कोने में या हमारे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पर भी ट्रेनें जाती हैं हम अभी उसके साथ मिले हुए नहीं हैं वो प्रोजेक्ट तो हमें जो सुनने में आया है 2025 में वो कंप्लीट होगा लेकिन हमारी मौजूदा हुकूमत से ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर उस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक पर लाया जाए और कम अज़ कम चार महीने या पाँच महीने उससे कम हो जाएगी तो वो अगर कुछ रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ़ इंडिया हमें स्टेट गवर्नमेंट यू को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं उस उस हिसाब से हम यह समझे कि, कि हमारे एक आम इंसान को फायदा हुआ बिजनेस जो हमारी अगर हम यहाँ से कोई माल बेचते हैं चाहे डलिशन बेचें चाहे भगू गोशा भेजें चाहे कोई भी बेचें अगर हम बगू गोशे की मसाल ले लें हम ट्रक में भगू गोशा लोड किया और दिल्ली तक पहुँचने पर तीन दिन लगे तो जितना भी बग्घू गोशा है वो रास्ते में ही ख़राब हो जाता है क्योंकि बग्घू गोशा एक नाजुक फल है जो इमीजिएटली दिल्ली या बम्बे या कलकत्ता पहुंच जाए तो रेलवे से हमारा अगर आज हम यहाँ पर रेलवे में ये बहुगोशा लोड करेंगे सुबह करेंगे तो शाम को दिल्ली पहुंच जाएगा ये हम गवर्नमेंट से भी और जो भी इनके साथ वाबस्ता हैं रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीजिएटली ये जो कनेक्टिविटी है रेल की ये फास्ट ट्रैक में लाकर दिल्ली के साथ जम्मू के साथ कनेक्टेड कार्य जाए जो हम यहाँ पर हम लोग रहते हैं हमें फायदा हो जाए अभी जो सर्वे हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो बिल्कुल इसको स्ट्रेट ला रहे हैं कुपवाड़ा तक ले जा रहे हैं इनिशियल स्टेज में लेकिन हमारा ये आ, हुकाम से रिक्वेस्ट रहेगी ये तो खैर दो साल पहले जब भी ये बात छिड़ी थी कि इस रेलवे ट्रैक की जब सर्वे हो रहा था तो उस समय के यहाँ पे जो फ्रूट मंडी के प्रेसिडेंट थे मैंने उनसे भी बात करी थी इस बारे में और उन्हें वो बात उस वक्त के गवर्नर आ, शायद स, सत्यपाल मलिक जी, जी से पहले कोई थे गवर्नर तो उनसे बात हुई थी एक्चुअली जिस रो जो अभी जो ट्रैक बन रहा है रेलवे ट्रैक कोफाड़ा तक उसमें उन्होंने सोपोर मंडी को थोड़ा बाईपास करा हुआ वो सोपोर मंडी को छू के नहीं गुजरता जिसकी वजह से कभी काफ़ी खदशात का हमें यहाँ के जो फ्रूट मंडी के जो लोग हैं उनको काफ़ी खदशात है कि हमें फ्रूट मंडी या फ्रूट मंडी से उस रेलवे स्टेशन तक माल ढोने में काफ़ी दिक्कत होगी इसलिए इसको कुछ इस एंगल से डिज़ाइन किया जाए ताकि कनेक्टि कनेक्टिविटी रहे फ्रूट मंडी तक जहाँ से वहाँ से माल भर के ना भारत के बाकी शहरों में बेच दिया जाए और उस ट्रैक को उस जु, जुमरे में लाने की ज़रूरत है और ये देखें बिजनेस का मामला आया आपके सामने बड़ी रहमत है आपका जो एक पेटी सेब की यहाँ दस दिन में बम्बे पहुँचेगी और आपका इसका किराया जो है वो डेढ़ सौ रुपया दो सौ रुपया पेटी का लगता है ढाई सौ रुपये पेटी पर लगता है वहाँ जाकर आपकी वो मेवे की पेटी आठ सौ रुपये या सात सौ रुपये में बिकती है आए तो कुछ भी नहीं आ रहा है मैं भी एक बिजनेस मैन हूँ लेकिन इससे पहले अगर वो हज़ार रुपये में बिकती थी लेकिन पहले ये जो ख़र्चा था ये काटा जाता था और फिर अभी बात चली नाशपाती की बगू की ये चेहरी का फसल और बगु गोशक का फसल हमारा बड़ा नाज़ुक फश फसल है इसको टाइम चाहिए कम ये जितनी जल्दी हो सके जाए मकाम पर पहुंचना चाहिए लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर का जो रास्ता है नेशनल हाईवे इससे हमें बड़ी दिक्कत दी तकलीफ़ दी क्योंकि ये अमून हमें बंद रहता है अमूमा बंद हो जाता है ये नहीं पता है हमारा ट्रक कितने दिन जाकर फंस जाएगा रास्ते में नेशनल हाईवे में, में कहीं पसियाँ जाती हैं कहीं कुछ जाता है अभी बच्चे ने बोला कि यहाँ नहीं इसको जी रिपेयर करना चाहिए भाई इसकी रिपेयर करते करते भी रिपेयर नहीं होता है फिर भी आठ दिन खा जाता है वो आठ दिन हमारा नाशपति भगवोशा कहाँ जाएगा वो चेरी कहाँ जाएगा वो तो फेंकना है उदी दरिया पे इसलिए जो रेलवे का सिस्टम है इसको ना कोई पसी है ना इसको कोई खतरा है ये सीधी अपनी रफ्तार में पहुँचेगी और आपका जो माल है जाए मकाम पर जाकर पहुँचाएगी और आपकी बिजनेस जो है दिन ब दिन तरक्की करेगी देखिए अगर मैं रेलवे की बात करूँ क्योंकि बात इसके मतलब हो रही है ये बात भी हमारे लिए हम याद रखें कि दुनिया में जितने भी पांच ब्रिज्स है जहाँ पे बहुत ख़तरा ज़्यादा रहता है हमारा जो ये ब्रिज बनता है अजूबा है लेकिन उन जो पांच ब्रिज है मतलब जहाँ पे ख़तरा ज़्यादा है ये उनमें नहीं आता है। ये हमारे भी हमारे लिए खुशी की बात है ये सेफ है अगर इस पर कभी मतलब अगर कोई बम भी इस पर गिरेगा तो ये उससे भी नुकसान इस पर नहीं होगा तो ये ये भी एक एक अहम चीज़ है कि एक बिल्कुल सौ साल इसकी उम्र भी का और आगे, आगे आगे आप देख लीजिए कि इसकी जो रेलवे की जो बोगियाँ हैं यहाँ पे जो काम इसका हो रहा है आराम भी है अभी आराम से अब बाप बाई, बाई बाई बस जाएँ आप या सोमों में जाएँ वहाँ पे तो कई कई घंटों में कभी हम जाम में फंसते हैं लेकिन इसमें बैठे आराम से पहुँचते हैं अच्छा काम हो रहा है इंशाल्लाह उम्मीद रखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया इस पर ज़्यादा देन दें, दें जिस तरह से बाकी शहरों में काम शदोमत से जारी है यहाँ भी उसी तरह से तेज़ी से शदोमत से काम क्या आप ये मानते हैं कि ऑल वेदर रेलवे कनेक्टिविटी से जो कश्मीर का टूरिज्म है वो बूस्ट होगा बिल्कुल होगा बिल्कुल होगा इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं क्योंकि हमारे पास जो अभी देख लीजिए मैक्म जो अभी हमारी जो ट्रेन यहाँ पे चली हुई है अगर हम नॉर्थ कश्मीर से बात करें जो बारामूला से ज्यादा से ज्यादा काजीगुंड तक जाते हैं या बानीहाल तक जाते हैं लेकिन जिस बंदे को जम्मू जाना है वो भी ट्रेन को प्रेफर करता है वो कहता है कम से कम यार मैं तो बानीहाल तक पहुँच जाऊँगा वहाँ से लेकर मैं कोई Uh, सोमो टैक्सी वगैरह लेके जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो दैट मीन्स कि प्रेफरेंस ट्रेन को दिया जाता है और ट्रेन का जब भी हम बात करते हैं तो लाखों हज़ारों टन माल ट्रेनों से डोया जाता है पूरे भारतवर्ष में और ये यहाँ पे ट्रकों का अगर ऐसा नहीं है कि ट्रकों पे उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन जो हमारी जो अवेलेबिलिटी है जैसे रोड कनेक्टिविटी uh, के कारण हमारे कई दिनों तक रोड बंद रहती है और हमारे यहाँ पे जो रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं उनमें किल्लत पैदा होती है तो ट्रेन के माध्यम से जब ऐसी uh, जब ट्रेन यहाँ से पूरे uh, इंडिया को कनेक्ट करेगी तो ये जो चीज़ें हैं तो ये होना बहुत ही हद तक कम होगा काम क्या होगा बल्कि बंद ही होगा कश्मीर में अगर हम जनरली बोलेंगे द बिगेस्ट इंडस्ट्री वट वी हैव इन कश्मीर इज एज ऑफ नाउ इज टूरिज़्म टूरिज़्म प्लेस विच इज़ वेरी वेल ऑन प्लेस हाँ अगर रोड कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी अगर ट्रेन कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी टूरिज्म का इतना बढ़ाव हो जाएगा जिसमें मुझे लगता है हमारी अकल खुद परेशान हो जाएगी तो आपके वसादत से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हाल हुकाम को कि जितना भी जल्दी हो सके रेल कनेक्ट रेल कनेक्टिविटी जो है रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ वेरी वेल ऑन प्लेस शुड भी वेरी वेल ऑन प्लेस एज सोन एज पॉसिबल सो दैट हमारा जो टूरिज़म सेक्टर है उसको बढ़ावा मिले जहाँ तक नॉर्थ कश्मीर का सवाल है, तुरिण है।, तुरिण है तुरिण और जिस जगह हम अभी बैठे हैं इस जगह का ये डिस्ट्रिक्ट बारामला है सोपोर की जगह है अगर आप देखेंगे मैं बारहा हर एक महफिल में हर एक जगह ये बोलता चला आ रहा हूँ कि सोपोर जो है इट इज़ ए गेट वे टू टूरिज़म अगर आप देखेंगे यहाँ जो माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं जो रखाएगा में बैठती हैं उसका भी जो गुज़र है वो इसी सोपोर से जाता है इसी अम, इसी संग्रामा से होता है अगर हम चलते बने हमारा एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक जो बदकस्मती से अभी भी गवर्नमेंट शायद अभी जागी नहीं है उसको प्रिजर्व करने में मुझे नहीं पता है वो प्रिजर्व हो पाएगी या नहीं हो पा हो पाएगी अगेन उसका भी उसका भी उसका भी गुज़र यहीं से है आज की डेट में ना आप देखें नॉर्थ कश्मीर में जो पुल बना है जो रेलवे में बना है जम्मू शहरा पे जहा जम्मू और कश्मीर को जो जोड़ रहा है सबसे वर्ल्ड से, वर्ल से सबसे हाईएस्ट पुल बना है हम ये गुजारिश करते हैं सिस्टम ऑफ एजुकेशन की ओर से भी और जितने भी हमारे यहाँ पर ताजरात हैं जो हमारे बिजनेसमैन हैं ये हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि जितने भी हमारे मसाइल हैं थोड़े इमीजिएटली इन पर एक्शन करके काम किया जाए हम भी खुशहाल ज़िंदगी देखना चाहें जैसे कि आज हम देखते हैं काफ़ी चेंज आ गई हैं आजकल तो इसी रेलवे को भी काफ़ी चेंज आए एजुकेशन में भी, भी चेंज आए हमारे बच्चे जो हैं काफ़ी ऊंची पढ़ाई तालीम कर सके जो भी हम भी आसमान पर छुए हमारी पढ़ाई के साथ जो भी ऑफिसर्स इस वक्त रेलवे को देख रहे हैं ऑन बिफ ऑन बिफ ऑफ जे एंड के उनका अखला कि फ़र्ज़ बनता है कि वो रेलवे स्टेशन पर एक बार अपने अफसरों को भेजे और ये देखें कि इन्होंने क्या हाल बनाया है उस रेलवे स्टेशन का जिस रेलवे स्टेशन में हमें अब शर्म आती है उस रेल में भी जाने की उन रेलों का क्या बा, बात होगी और जो विंटर में अब हार्श विंटर आने वाला है हमें उम्मीद होगी कि हमारी जितनी भी रेलवे रेलवे गाड़ियाँ होगी जो हमारी रेलवे कोच्स होंगे वो फुल्ली सेंट्रली हीटेड होगी क्योंकि तभी तभी जब आपके इन हार्श विंटर जो आने वाला है उसमें हम उन रेल में से यहाँ से काजी जा सकेंगे या काजी से वापस बारामूला आ सकेंगे हमारे कुछ बच्चे हैं जिनको दिल्ली का भी पता नहीं दिल्ली कहाँ है जम्मू को भी पता नहीं जम्मू कहाँ है और बम्बे का तो नाम ही उन्होंने सुना होगा लेकिन रेलवे के आने से कनेक्ट होने से हमारा बच्चा पूरे हिंदुस्तान की जगह जगह का शहर शहर का कस्बे कस्बे का वाकफ हो जाएगा और उसकी नॉलेज इतनी बढ़ेगी कि वो दो दूसरों को क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आपको ये पता है बम्बे शहर में क्या होता है महाराष्ट्र में क्या होता है कर्नाटका में क्या होता है ये वो बच्चा पूछेगा जिसको ये नाम ही पता नहीं थी पहले इसलिए जहाँ तक रेलवे का सफ़र आसान हो गया है वहाँ तक एजुकेशन भी आसान हो जाएगी इसमें हर बच्चे को अपनी नॉलेज बढ़ती जाएगी तो इन हम ये दुआ करेंगे कि हमारे ये जो फ्रूट ग्रोअर्स हैं हमारे जो बाकी बिज़नेसमैन हैं इनको रेलवे का जो इस्तेमाल करना है वो अल्लाह ताला हमें आसान ही आसान करके दे दे और से रेलवे की कदर हम करेंगे लेकिन गवर्नमेंट को एक बात सोचना चाहिए कि इस रेलवे जो है हमें चाहिए ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक तो अगर हम कितरदजी मुंड जैसी बात करेंगे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसका भी गुज़र यहीं से है अगर हम बात करेंगे रफ़ियाबाद से जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस अभी गवर्नमेंट ने दिए हैं नो नामिनेट किए हैं गांव उसका भी गुजर सोपोर से ही है अगर हम बात करेंगे टंगडार टिटवाल की उसका भी गुज़र सोपोर से ही है अगर हम बात करेंगे गुरेज की उसका भी गुज़र सोपोर से ही है अगर हम बात करें मच्छल एलोसी की उसकी उसका गुज़र भी सोपोर से ही है तो इसलिए मैं आपकी वसाद से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आला गवर्नमेंट को कि सोपोर को गेट वे ऑफ टूरिज़म का दर्जा दिया जाए एज सोन एज पॉसिबल तो इसके 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 चलते चलते मुझे लगता है मैं सलाम करता हूँ सब लोगों को जो भी अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए हैं यहाँ अपने ख्याल का इजहार करते हैं मुझे लगता है इतना ही हमसे हो सकता है बाकी जो भी है गवर्नमेंट इज़ एट देल ऑफ़ अफेयर्स मैं नहीं ये बोलूँगा कि बेसिकली uh, कुछ नहीं हुआ है मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ इस स्टेज पे कि हुआ है मगर बहुत होने की ज़रूरत है वी हैव कम अ लॉन्ग वे टुगेदर एंड डेफिनेटली वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे टुगेदर जब से एल हुकूमत का दौर चल रहा है अभी तो क्या डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स है वो किस रफ्तार से उन पर काम हो रहा है क्या कुछ तब्दीली रोनमा वाक़ हुई है जब एल जी आई है यूनियन टेरिटरी बनी है पूरा हमारा जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी एक बात बता हूँ ये दिल से बताता हूँ ये किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ या किसी के ऊपर मैं बना बंद बन के नहीं कर रहा हूँ जो ये करप्शन ख़त्म हो गई है जो सिस्टम आप ऑनलाइन हुआ है ना चाहे तहसील में देखो चाहे कहीं भी देखो मैं आपको एक छोटी सी मसाल देता हूँ अपनी मैंने डोमिसाइल बनाए आप यकीन मानना जितना गवर्नमेंट ने पैसा रखा था ना उसके चार्जेस वही देने पड़े और कुछ नहीं देने पड़े आराम से घर में गई हर चीज़ जो अभी सिस्टम बन रहा है ना अब एल जी गवर्नमेंट में तो ठीक चल रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है मैक्सिमम जो रोड्स बन रही हैं तकरीबन हर जगह पर अच्छी रोड्स बन रही हैं सिस्टम ऑफ एजुकेशन है कनेक्टिविटी बन रही है और हम गवर्नर साहब से एक भी एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जो बच्चों की पढ़ाई है जम्मू कश्मीर में अगर इसको ये फ्री कर दें ना ये हमारी ज़ाती राय है जितने भी सब बैठे हैं इनकी एक ज़ाती राय है जितने भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर में क्यों हालात को देख कर इनकी पढ़ाई फ्री करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर फीसें इतनी हाई जा रही हैं तो उन पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है आप देख लो ना जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के फ़ीसों का इतना डिफरेंस है कहने की बात ही नहीं है हम गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि जितने भी हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं चाहे यूनिवर्सिटी में हों चाहे स्कूल्स में हों चाहे कॉलेज़ में हों चाहे टेक्निकल एजुकेशन में चाहे नॉन टेक्निकल एजुकेशन में बच्चों की बात है उनको थोड़ा जैसे बाकी जगह पर हो रहा है फ्री एजुकेशन है यहाँ भी फ्री एजुकेशन करें हम भी थोड़ा सांस ले लें ना हम भी तो इसी हिंदुस्तान में रहते हैं जब हर जगह पढ़ाई फ्री है तो हमें ही पढ़ाई फ्री करें हमारे दिल्ली में इस वक्त देख लें अब हम अगर मोदी जी की बात करें हर जगह उनने फ्री एजुकेशन रखी है तो यहाँ भी कर दें फ्री एजुकेशन हमारे बच्चे अच्छी तरह पढ़ें ये हम पर्सनल रिक्वेस्ट करें बाकी सिस्टम अब जो डेवलपड है वो ठीक चल रहा है इसमें कोई दौर आए नहीं है अच्छा काम हो रहा है आज के दौर में नाजरीन रूबरू का आज का शुमारा यहीं पर अखताम को पहुंचता है हमारे प्रोग्राम को लेकर अगर आपके कोई भी सवालत हो या कोई भी राय आ रहा हो तो आप भी हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भेज सकते हैं जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत शब बखैर